नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और बाजारों की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी की कीमतों में कल आज के कारोबारी सत्र में हमने सुबह में तेजी बनते हुए देखी थी। हरे निशान पर सोने चांदी की जो कीमतें थी वो ट्रेड करती नजर आ रही थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि शाम होते होते सोने चांदी की जो प्राइजेस हैं उनमें एक लाल निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में देख रहे हैं कि गोल्ड $1978 पर है, आधे फीसदी की गिरावट, और जो सिल्वर है वो आधे फीसदी की गिरावट के साथ $26 पर। दरअसल आज डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है उसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें उन पर एक प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि बीते दो सालों में डॉलर इंडेक्स पहली बार $101 पर जाता दिखाई दिया है। इसकी वजह से जो सोने चांदी की जो प्राइसेस हैं उनमें तेजी बनती नजर आई है। तो अब यहाँ से सोने चांदी का बाजार आगे कैसा रहेगा, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका मार्केट एनालिसिस पर। जी अखिलेश, नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, सोने चांदी में देख रहे हैं कि हमने सुबह तो बढ़त बनते हुए देखी थी, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लाल निशान के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये जो तेजी के बाद अब सोना लाल निशान में तब्दील हुआ है, तो क्या यहाँ से जो ये तेजी है वो और ज्यादा गहरा ये गिरावट की ओर जाने वाली है? देखिए, गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव है और जिस तरह से इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला है उससे हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट ही मिलेगा। डॉलर में भी थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है, हमें लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा डॉलर के अंदर, तो गोल्ड सिल्वर को अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। गोल्ड करीबन 53,200 के आसपास खरीदारी करें, ऊपर हमें लगता है 53,800-53,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी ये सनु जी, बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल भी सुबह को हरे निशान पर ही था, हालांकि अभी भी लेवल्स ठीक ठाक ही देखने को मिले हैं। WTI $100 के ऊपर निकल चुका है और ब्रेंट $111 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कच्चे तेल में ये जो बढ़त है वो जारी रहेगी या फिर ये जो लाल निशान बना है वो और गहराएगा? देखिए, क्रूड में हमें लगता है कि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव ही साइड रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन इशू बना है उससे काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। हमें लगता है ऊपर में 8,300 तक के लेवल देखे जा सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में $115-116 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जी ये सर मुझे बेस मेटल्स में क्या लगता है, किन बेस मेटल्स में खरीदारी करने से अच्छा मुनाफा मिलेगा? देखिए, बेस मेटल में हमें लगता है कि इसका भी ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव ही है, यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। कॉपर में हमें लगता है कि 830 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर में 840 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जिंक के अंदर भी हमें लगता है ऊपर में 380-382 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो जिंक के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। कॉपर और जिंक हमें लगता है इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जी ये सनु जी, हमने नेचुरल गैस को भी MCX पर ऑल टाइम हाई पर जाते हुए देखा है, आज देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से कुछ मुनाफा वसूली बनी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है वो आगे पॉजिटिव ही रहेगा, और वो कौन से फैक्टर्स है जो नेचुरल गैस को तेजी की ओर लेके जा सकते हैं अगर तेजी बनती है तो? देखिए, नेचुरल गैस यहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ा वीकनेस के साथ ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ओवरबॉट जोन में है और हमें लगता है कि यहाँ पर हायर लेवल पर डिमांड भी कम होती हुई दिखती है, तो नेचुरल गैस के अंदर हमें लगता है कि पिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। नीचे करीबन ₹560 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो नेचुरल गैस के अंदर हमारा व्यू है कि मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड आ सकता है, तो यहाँ पे पिकवाली के साथ ट्रेड लिया जा सकता है। जी अनुज जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या चूज करना चाहेंगे आप? देखिए, नॉन एग्री में हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड 53,200 के आसपास रहेगा, स्टॉप लॉस 52,900 का रहेगा, टारगेट 53,800-53,900 तक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सिल्वर के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं, करीबन 70,000 में स्टॉप लॉस 69,300 का रहेगा, टारगेट 71,000 तक हो सकता है, तो गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, जानेंगे अनुज जी से कि कृषि फसलों में कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले M6 कॉटन से। अनुज जी, आपने M6 कॉटन का 44,000 का टारगेट दिया था, आपका वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ चुका है। अब देख रहे हैं कि M6 पर कॉटन लाल निशान पर कुछ पहुंची है, लेकिन लेवल अभी भी ठीक ठाक ही है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अभी करेक्शन आनी बाकी है या फिर यहाँ से जो तेजी है वो और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे में भाव करीबन 43,500 तक आ सकते हैं, तो या तो इंट्राडे के लिए दिक्वाली का ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो अगर 43,500 के आसपास आए तो अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, तो दोनों साइड के ट्रेड यहाँ पर अवेलेबल है।
मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर भाव नीचे आए तो खरीदारी करके चले, और करंट रेट भी किसी को ट्रेड करना है तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, 400 से 500 रुपए की गिरावट यहाँ पर आ सकती है जी। हिसेनु जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने कीमतों में कुछ इजाफा होते हुए देखा था, लेकिन देख रहे हैं कि फिर से बिनौला खल में नरमी बन गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल यहाँ से अब कुछ तेजी की ओर जा पाएगा, या फिर जो 3000 का लेवल है यहीं पे सिमट के रह जाएगा? देखिए, बिनौला खल तो अगर देखें तो आने वाले समय में अब जो मानसून है वो भी अच्छा आता हुआ दिख सकता है। माना जा रहा है कि नॉर्मल मानसून रहेगा, तो उससे कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए वो फायदेमंद हो सकता है। हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों में एक नरमी देखने को मिल रही है, तभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में नरमी आते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के एक में बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। नीचे एक्सपेक्टेड है कि भाव एक बार 2950 से लेकर 2900 तक का लेवल दिखा सकता है, तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउन साइड में है। हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं, 2950 से लेकर 2900 रुपए तक के लेवल देखने को देख सकते हैं जी। ये सनु जी, हमने कैसे सीड को भी 7200-7300 तक जाते हुए देखा था, लेकिन फिर आज देख रहे हैं कैसे सीड में 6900 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो कैसे सीड में उठापटक देखने को मिल रही है काफी समय से, अब अचानक से ये क्यों आई है, और अब आगे इसका ट्रेंड कैसा रह सकता है? देखिए, कैस्टर में हमें लगता है कि अभी ट्रेंड थोड़ा डाउन का ही रहेगा, क्योंकि अराइवल ही बड़ी है और आगे मानसून भी अच्छा दिख रहा है, तो उसकी वजह से हम सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में आज रेड निशान में ट्रेड देख रहे हैं। हमें लगता है कि कैस्टर में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे भाव करीबन 7000 से लेकर 6950 तक दिखा सकते हैं जी। ये सनु जी, हमने ग्वार में भी आज मुनाफा वसूली आते हुए देखी है ऊपरी स्तर से, ग्वार में क्या लगता है आपको, क्या ग्वार में यहाँ से जो करेक्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर ग्वार फिर से सपोर्ट ले जाएगा? देखिए, ग्वार के अंदर भी एक ट्रेंड डाउन आता हुआ दिखाई दिया है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रही है, कहीं ना कहीं देखें तो हमने कल भी एक गिरावट देखी थी। हमें लगता है कि ग्वार में भी वही मानसून का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है, हालांकि यहाँ पे जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, और जो आवक है वो भी बड़ी हायर लेवल पे लोगों ने मंडियों के अंदर आवक लेकर आए हैं। हमें लगता है कि अभी ग्वार सीड ग्वारगम में कुछ गिरावट का ट्रेंड आ सकता है, नीचे ग्वार सीड करीबन 6150 से 6100 तक के लेवल दिखा सकता है, और ग्वारगम में करीबन 12100 से लेकर 11900 तक के लेवल दिखा सकते हैं, तो ग्वार सीड ग्वारगम में हमें लगता है कि कुछ नरमी के साथ ट्रेंड देखने को मिल सकता है जी। ये से बात करें अनुज जी मसालों की, तो मसालों में भी हमने यहाँ पे कुछ नरमी आते हुए देखी है ऊपरी स्तरों से, आपको क्या लगता है ये क्या मॉनसून का असर मसालों पर भी देखने को मिला है, इसकी वजह से नरमी है ये, या फिर कुछ फंडामेंटल्स में चेंजेस हुए हैं? देखिए, फंडामेंटल तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ही, बट जो गिरावट आई है यहाँ पर थोड़ा सा मॉनसून का मार्केट लेंगे, क्योंकि मॉनसून अच्छा आने का जो एक्सपेक्टेशन है उससे जो सोइंग एक्टिविटी है आने वाले समय के लिए वो अच्छी बन सकती है, और साथ में यहाँ पे देखें तो अभी जो ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हमें लगता है कि अभी डिमांड का कंसर्न ज्यादा है और भाव उसके वजह से नीचे आते हुए दिख रहे हैं, और हमने देखा था कि भाव काफी ऊपर की तरफ चले गए थे, तो वहां पे जो डिमांड थी वो भी कुछ कम देखने को मिली थी। हमें लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं, नीचे भाव एक्सपेक्टेड है कि 2100 तक के लेवल दिखा सकता है, तो मसाले में भी इंट्राडे के लिए या एक दो दिन की पर्सपेक्टिव से बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकता है जी। अनु जी, मेंथा में क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि मई वायदा एमसीएक्स पर 1100 के ऊपर है, 1103 के आसपास है, तो क्या यहाँ पर मेंथा में 1200 का भी लेवल देखने को मिल पाएगा, या फिर अभी ये जो 1200 का लेवल है वो थोड़ा दूर है? देखिए, मेंथा ऑयल के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव ही है, हमें लगता है कि मेंथा में जो गिरावट आई है ये अच्छा मौका रहेगा, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर में 1100 से लेकर 1120 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, तो मेंथा के अंदर हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है जी। अनु जी, यहाँ से यूएस सोयाबीन में हमने यहाँ पे तेजी आते हुए देखी है, देख रहे हैं $1700 के ऊपर यूएस सोयाबीन का बाजार निकला है, और इंडिया में भी देख रहे हैं कि सीपीओ के जो इंपोर्ट है उसमें थोड़ी नरमी आई है, जिसकी वजह से जो एडिबल ऑयल पैक है वो थोड़ा तेजी की ओर गया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक और सोयाबीन कैसे रह सकते हैं? देखिए, एडिबल ऑयल पैक और सोयाबीन में हमें थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार सोयाबीन की जो क्रॉप है वो भी अच्छी देखने को मिली है, साथ में सरसों की क्रॉप भी भारत के अंदर काफी अच्छी रही है। हमें लगता है कि सोयाबीन, सरसों और क्रूड पाम ऑयल में कुछ गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं जी। अनु जी, एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें मेरी टॉपिक बिकवाली की साइड ही रहेगी। सबसे पहले तो कॉटन सीड ऑयल के में बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं, 2950 के लेवल देखे जा सकते हैं, वहीं दूसरी और हमें लगता है कि बार सीड के अंदर बिकवाली का ट्रेड देख सकते हैं,
तो वही शॉर्ट टर्म पर एक दो दिन के परस्पेक्टिव से एग्रीकल्चर को मार्केट ट्रेड बना सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि कमोडिटी बाजार शाम की कार्रवाई सत्र में कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की दौर का खबर लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।